नमस्कार, जे 24 કલાકમાં આપનું સ્વાગત છે। ટોપ ખબરો સાથે હું છું નિધિ। શરૂઆત કરીએ મહત્વના સમાચારો સાથે। મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। દેશમાં ઓક્સિજનની સમસ્યા અંગેની મોટી ખબર આવી રહી છે સામે। દેશમાં ઓક્સિજન સ્થિતિ અંગે પીએમ મોદી એક્શનમાં છે। દેશમાં 551 નવા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવશે। પીએમ કેર્સ ફંડમાંથી રકમ આપવામાં આવશે। કેન્દ્ર સરકારે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ લગાવવા માટે મંજૂરી આપી છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પીએમ મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। વધુ વાત કરવા માટે સંવાદદાતા સિદ્ધાર્થ સિબલ જોડાઈ ગયા છે। સિદ્ધાર્થ, જાણના ચાહેંગે જિસ તરહ સે પૂરા દેશ મેં જો પરિસ્થિતિ સામને આ રહી હૈ ઓક્સિજન કી ખપત, ઇસકે બીચ કેન્દ્ર સરકાર ભી પૂરી એક્શન મેં હૈ, અભી કો ક્યા કો જાણકારી સામને આ રહી હૈ ઓક્સિજન કો લેકર? देखिए, पिछले कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी अहम मीटिंग्स को शेयर करा है। उनमें से ऑक्सीजन को लेकर भी काफी मीटिंग्स उन्हें शेयर करी हैं और इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं। आज एक बड़ा फैसला अनाउंस करा गया है कि 551 यानी 550 से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है और इनको पीएम केयर फंड से अप्रूवल दिया गया। और ये जो प्लांट्स हैं, ये देश के जो हर सरकारी हॉस्पिटल होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के सरकारी हॉस्पिटल होंगे, जो मेन हॉस्पिटल होगा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर बनाया जाएगा, रखा जाएगा। और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल्द से जल्द फंक्शन करा जाए। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ये इंश्योर करेंगे कि अनइंटरप्टेड सप्लाई हो ऑक्सीजन की, जो हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर हमने देखा किल्लत हुई है। यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, यहाँ से SOS बहुत सारे हॉस्पिटल्स के ऑलमोस्ट आवरली बेसिस जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो मीटिंग देखी थी प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग, उसमें भी एक बड़ा फोकस था कि ऑक्सीजन किल्लत को कैसे एक तरफ से कमी करी जाए, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम बेसिकली ऑक्सीजन जनरेशन की नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक की। उसको देखकर हमने एक ऑक्सीजन जो रेल है उसकी बात भी हमने देखी। रेलवे एक अहम रोल प्ले करी और कल ही सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर, 4 ऑक्सीजन टैंकर लाए गए हैं। हम सऊदी अरेबिया से ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। तो ग्लोबली भी फोकस है कि कैसे हम दुनिया के सारे देशों से प्रोक्योर कर सकें ऑक्सीजन। और उसमें भारत के जो मिशन है, जो एम्बेसीज है, हाई कमीशन है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और ये आज फैसला जो आया है, भारतीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा है कि कैसे ये जो रिलीज आई है कि कैसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाए जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी पीएम केयर से एक तरफ से करीब 200 करोड़ रुपए निकाल के इंस्टॉल करा गया था। एडिशनल जो 162 एडिशनल जो मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक्शन आ सकता है और मेजर्स आ सकते हैं स्पेसिफिकली स्टेट्स को हेल्प करने के। और जो जिन स्टेट्स में केस लोड ज्यादा है, जैसे गुजरात की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए। जी बिल्कुल सिद्धांत, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ऑक्सीजन की स्थिति अंगे पीएम एक्शन में, देश में 551 नवा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित।